करेंगे ई सेवा की। एक्चुअली ई सेवा क्या होता है? ई सेवा एक डिजिटल पेमेंट है, आप इसे पैसे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज कोई शॉप पे गए, तो शॉप पे गए वहाँ पर आपको पैसे पे कोई सामान लेते वक्त उसको पैसे पेमेंट करना हो तो आप ई सेवा के थ्रू उसको पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ ई सेवा का। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको गूगल क्रोम खोल लेना पड़ेगा। गूगल क्रोम खोल लेते हैं, और गूगल क्रोम खोलने के बाद सर्च और टाइप ऑफ एड्रेस आप यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ई सेवा। मैं इसको ई सेवा खोल देता हूँ। ई सेवा खोलने के बाद मैं ई सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे को खोल देता हूँ। ऑफिशियल खोलने के बाद आपको यहाँ पर आप दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। आप वेबसाइट के थ्रू यूज कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन के थ्रू। आप ऑन कर देता हूँ, आप एप्लीकेशन के थ्रू यूज करें। तो मैं एप्लीकेशन के थ्रू आपको सिखा देता हूँ कि ई सेवा का अकाउंट कैसे क्रिएट करता है। तो ये मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ, यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, चलो ई सेवा टाइप करने के बाद मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर दिया है। तो आप इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेंगे, और यहाँ 3 डॉट बार है, आप इसको क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लॉगिन रजिस्टर, आप उसमें क्लिक कर दें। और उसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर को ऑप्शन मिलेगा नीचे, लॉगिन के नीचे, आप उसमें क्लिक कर दें। और आप इसमें आपको मोबाइल नंबर मांगता है, तो मोबाइल नंबर में आपको नेपाल के एनसीएल के नंबर या एनटीसी के नंबर, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं नंबर दे देता हूँ। तो मैंने नंबर दे दी, मैं आई एग्री टू ई सेवा, इसको टर्म्स एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट कर दें। एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड करने के बाद यस कर दें, और यस करने के बाद आपको वेरिफिकेशन कोड मिल दे, वो वेरिफिकेशन कोड पठाएंगे। तो ऑलरेडी मेरे में वेरिफिकेशन कोड पठा दिया है, तो मैं इसको टाइप कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, और फिर नेक्स्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद एक न्यू एम पिन मांगता है, आप न्यू मोबाइल पिन नंबर डाल दें। तो मैं डाल देता हूँ कोई भी, नेक्स्ट। ये 4 डिजिट का नंबर होता है, आप 4 डिजिट को नंबर डालें एम पिन नंबर। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट सेम टू सेम डालें। जब आप जो ऊपर रखे हो जो सेम टू सेम नंबर, आप उसको नीचे भी आप सेम टू सेम रखना पड़ेगा। इसको नेक्स्ट कर देता, नेक्स्ट करने के बाद सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स आप कैसे फिलअप करते हैं? तो फुल नेम, आपका अपना फुल नेम, जो आपका ओरिजिनल नेम है वही नाम दे रखे हैं। तो मैंने अपना फुल नेम रख दिया, और आप इसमें आपको जेंडर मिलेगा, आप जेंडर मेल है या फीमेल है या अदर, अब जो आप उसको सबमिट कर दें। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आप डेट ऑफ बर्थ रख देते, आप बीएस में या एडी में, विक्रम संवत या इक्रम संवत, आप जिसमें आप रख सकते हैं। तो मैं विक्रम संवत में रख देता हूँ। तो मैंने इसको फिलअप कर दिया। यहाँ पर आपको क्या कहता है, फादर हस्बैंड नेम्स, आपको आपका पापा का नाम, फादर का नाम यहाँ सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं सबमिट कर देता हूँ। मैंने सबमिट कर दी, और यहाँ पर आपको ग्रैंड फादर का नेम सबमिट करने को कह रहा है। तो मैं
और वो करने के बाद आपको यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस पूछेगा, तो आप एड्रेस रख दो जून अंचल रख दो, आपको जो है वो रखना, गलत नहीं रखने का, जिला आप रख दो, बीडीसी आप रख दो, जो आपका नगर पालिका है वो आपको रखना पड़ेगा, मैंने रख दी। कुछ सेम टू सेम रखते करेंट एड्रेस, सेम टू सेम मार करेंट एड्रेस, सेम एज परमानेंट एड्रेस, सेम टू सेम आप उसमें टिक कर दे, मार करेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो इसको फिलअप नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। टोल भी देखना पड़ेगा, नेक्स्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, सबमिट कर ले। यहाँ एक छूट गया, ऑक्यूपेशन छूट गया, तो मैं ऑक्यूपेशन फिलअप कर देता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट ऑक्यूपेशन फिलअप कर दिए और उसके बाद सबमिट कर दें। तो ये आप इसमें चेक कर ले क्या क्या गलत हुई है, तो इसमें चेक कर लेता हूँ, सब चीज़ ठीक है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद आपको वेरिफिकेशन डिटेल्स, अब इसमें आपको अपलोड सिटीजनशिप लाइसेंस पासपोर्ट, अब इसमें आपको सिटीजनशिप और लाइसेंस जो हो आपको, आप इसको सिटीजनशिप को अपलोड करने को कह रहा है, आपको सिटीजनशिप को सिटीजनशिप लाइसेंस और पासपोर्ट, जो से मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मैं इसको बाद में यूज करूँगा। तो फाइनली मेरा जो ई सेवा का अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। तो इसमें आपको देख कई तरह की आपको इसमें परसेंटेज मिलेंगी, जैसे कि आप एनसेल की टॉपअप रिचार्ज करते हो तो 2%, एनटीसी की 2%, और आप इसमें सबसे खासियत बात ये है कि आप इसमें यानी नेपाल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी की बिल पेमेंट कर सकते हो, और खाने पानी की, वेल्डिंग का, जो इंटरनेट यूज कर रहे हो वेल्डिंग की भी बिल पेमेंट कर सकते हो। तो काफ़ी ऐसी इसमें फीचर्स है जो देखने को अच्छा मिलता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।